वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब विजय शिप्रा को छोड़ने घर आता है और उसकी हर तरह से मदद करने का वादा करता है, तो रोशनी उन दोनों को दूर से देखकर परेशान हो जाती है। इधर रानी चौहान अपने अतीत के तमाम राज राहुल को बता देती है। वो बताती है कि राजीव सिन्हा उसके पति शक्ति नायक का दोस्त था। एक दिन रानी चौहान अपने पति को कुछ खुफिया मशीनों के बारे में किसी से बात करते सुन लेती है और जान जाती है कि वो देशद्रोही है। शक्ति उसे देख लेता है और जान से मारने की धमकी देता है। अगले दिन शक्ति से कुछ लोग मिलने आते हैं, बहस होती है जिसका अंत गोली के धमाके से होता है। रानी अपने पति को मरता हुआ देख डर के मारे भाग जाती है और रानी चौहान के नाम से एक नई जिंदगी शुरू करती है। हमें पता चलता है कि राहुल एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है और वो अपने बॉस को बताता है कि राजीव सिन्हा के अतीत को मिटाना उतना आसान काम नहीं है। इधर रोशनी जानकारी बटोरने रावत के रिकॉर्ड रूम में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रावत से होती है। राहुल और शांतनु उन पर नजर रखे हैं। भाभी, यू आर द बेस्ट। तुम्हारे भैया को भी मारिश बहुत पसंद थी। जब भी काम से वक्त मिलता, बिल्कुल इसी तरह आगे आकर लेट जाते। भाभी, भैया तो अपने काम में बहुत बिजी रहते होंगे, उनके पास तो तुम्हारे लिए वक्त भी नहीं होता होगा, है ना? मुश्किल जरूर था, लेकिन फिर भी अपनी बीवी के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल ही लेते थे अपने बिजी रूटीन से। हाउ क्यूट, बिजी रूटीन से अपनी बीवी के लिए वक्त निकालना, सो रोमांटिक। मगर काफी तकलीफ होती होगी तुम्हें, थोड़ा बहुत वक्त निकाल भी लिया तो जरूरत महसूस होती होगी। मैं चाहती तो यही थी कि राजीव हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन करती भी क्या, उसका काम ही ऐसे था, कभी यहाँ कभी वहाँ, ज्यादातर तो टूर पर ही रहता था। धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ गई। आदत? सो भैया की जिंदगी ही तुम्हारी जिंदगी बन गई। एक बात पूछूं भाभी, तुम क्या भैया के साथ खुश थी? ये कैसा सवाल है रोशनी? भाभी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मगर मुझे ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है। जब से भैया की मौत हुई है, बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सच्चाई जानने में किसी की दिलचस्पी है ही नहीं। भाभी, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, बस एक मैं हूँ। ऐसी बात नहीं है रोशनी, ये सच नहीं है। पुलिस की तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है विजय। विजय से आपका मतलब इंस्पेक्टर विजय पांडे है? हाँ। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम इंस्पेक्टर विजय पांडे को पहले से जानती हो? पहले से मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो ना। भाभी, नाराज मत होना, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम इंस्पेक्टर विजय पांडे को भैया की मौत से पहले से जानती हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने भाई की मौत का दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जो तुम्हारे मन में आए तुम भग दो। ऐसे बेतुके सवाल कर रही हो जिनका सच्चाई से दूर दूर तक भी संबंध नहीं है। मैं तुम्हारे कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगी और आई तक कभी भी ऐसे सवाल नहीं करना, समझी?
क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कुछ भी नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ फोटोग्राफ्स ले रही हूँ यहाँ के। तुम सिर्फ फोटो नहीं ले रही थी, तुमने कुछ और भी लिया है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया। ये मेरा घर है, किसने इजाजत दी है तुम्हें यहाँ पर आके तस्वीरें खींचने की? मैडम मुझे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से परमिशन। पुलिस का नाम भी मत लेना इस घर में, कह देती हूँ। चैन नहीं लेने लोगे क्या? अरे एक पार्टी क्या दे दिया, आफत मोल लिया हम लोगों ने। उस पार्टी में एक खून हुआ था। एक ही खून क्यों हुआ था? मैं तो कहती हूँ उस दिन बहुत सारे, कई सारे खून हो गए उस दिन। अरे हमारा जीना आराम करके रखा है तुम लोगों ने। उस पार्टी में जो खून हुआ था वो मेरे भाई का था, राजीव सिन्हा। मैडम आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए, प्लीज मेरे बहुत जरूरी है यहाँ पर फोटोग्राफ लेना। मैडम प्लीज आपको तो समझने की कोशिश कर रही है। मैडम प्लीज आप समझिए तो सही। पुलिस कमिश्नर की चालबाजी है ना, मेरे पति को बंद करके रखा है उसने। अरे एक साथ सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देता वो, हमें फांसी क्यों नहीं चढ़ा देता, जान क्यों नहीं ले लेता, हमारी जान क्यों नहीं ले लेता। मैं कहती हूँ जाओ। मैडम आपको किस बात का डर है? यही कि आपका कोई छिपा हुआ राज न खुल जाए। किस बात का डर है मुझे? हाँ मुझे किस बात का डर है? आया था ना तुम्हारा वो विजय पांडे यहाँ पर। अरे कोई राज होता तो उसे भी तो मिला होता, यहाँ क्यों आती हो तुम? जाकर उसी से क्यों नहीं मिलती हो? जाकर मिलो ना अपना विजय पांडे से। चलो जाओ जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले आते हैं यहाँ पर। रोज नया नया तमाशा खड़ा करेंगे यहाँ पर आके। चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ, किस बात पर आपको अकेले हंसी आ रही है? अपने आप पर स्टूपिड। पापा जेल में है और मम्मी तो दुख से पागल हो गई है, और मेरे दोनों भाइयों को हॉस्टल भेज दिया गया है। ये सारी बातें ना मेरे दिमाग में घूमती रहती है। हर बार अपने बिखरे हुए घर के बारे में सोचती हूँ ना तो दर्द का एहसास होता है। क्या इस दर्द की कभी आदत नहीं होगी मुझे? हाँ अंजलि, तुम मेरे साथ आकर मेरे घर पे क्यों नहीं रहती? हाँ यू वेरी स्वीट बट वाई तुम क्यों नहीं रह सकती मेरे साथ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ वाई? अरे बच्चू जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी डैडी के साथ कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती? हमारी शादी हुई है क्या? हो जाएगी। क्या तुम इस बच्चे से शादी करोगी? बहुत ही खतरनाक औरत है। अगर उन
कौन बरामदा बंद करके रखा है? मेरे पति को अगर रखा है तो ये चुड़ैल को क्यों छोड़ रखा है ऐसे? इसी की वजह से तो वो आज अंदर फंसे हुए हैं। अगर मेरे पति ने कुछ रातें तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर पर बिताई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनको जेल में बंद करवा कर रख दो। समझते क्या हो तुम अपने आप को? अरे हवाला में तुम्हारा भी तो नाम था, इसका भी तो नाम था हवाला में। इसको क्यों बंद करके नहीं रखा है जेल के अंदर? इसको क्यों नहीं रखा है आप लोगों ने? से मिलने नहीं आई थी, वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने मुकेश की गाड़ी बाहर खड़ी देखी और समझ गई कि तुम आई होगी मुकेश से मिलने। ममता, मैं कई दिनों से कोशिश कर रही थी सांस जुटाने की, मगर मेरी पुस्तली बार बार आड़े आती रही, नहीं मिल पा रही थी मैं तुमसे। आज मैंने सोचा कि अगर आज मैं नहीं मिल सकी तो शायद अपने आप के साथ मैं कभी नहीं रह पाऊंगी। ममता, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बेबस थी ममता, क्या करती, मैं भी मुकेश से प्यार करती थी और करती हूँ। हम दोनों ऐसे संजोग में मिले कि हम दोनों का अलग रहना संभव नहीं था। ममता, ममता प्लीज लेट मी हेल्प यू ममता प्लीज। मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती ममता, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दोगी? जगमोहन गुप्ता और उस्मान अंसारी। कौन गुप्ता, कौन अंसारी? तुम दोनों को नहीं जानते हो? ये अचानक तुम्हें उन दोनों का ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि बाकी तो सारियों की पूछताछ हो चुकी है रावत, मतलब जितने लोग उस दिन पार्टी में मौजूद थे उनकी पूछताछ हो चुकी है, अब बस सिर्फ ये दोनों बचे। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्पेक्टर विजय पांडे मंद गली के आखिरी मकान तक पहुंच चुके हैं। चूंकि आगे कोई रास्ता नहीं है इसलिए वो बेगुनाहों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक बात बता, तेरे को नहीं लगता कि इस केस को इंस्पेक्टर रोशनी सिन्हा ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते? देख, मैं कल के पेपर में हेडलाइन छाप दूंगा, साफ साफ लिख दूंगा कि तुम बेगुनाहों के साथ थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है, कैसी रावत, ये जो उस्मान अंसारी और जगमोहन गुप्ता है ये वो है नहीं जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा सोचने की वजह? साहूकारी का धंधा करते हैं, ये तो कोई गुनाह नहीं। टेक्सटाइल बिजनेस भी करते हैं, वो भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, लेकिन उस रात की दावत पर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे या तो मुकेश अग्रवाल के दोस्त थे या फिर उसके बिजनेस एसोसिएट्स थे। सिर्फ ये दो ऐसे आदमी थे जो मुकेश अग्रवाल को नहीं जानते थे। अच्छा, ये बात है। हाँ, फिर तो उनका दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए। विजय पांडे की बात कर रही हूँ मैं, इंस्पेक्टर विजय पांडे। सर, आपका वो ऑफिसर बिल्कुल करप्ट है। मैं जान सकता हूं कि तुम विजय पांडे से इतनी नाराज क्यों? सर, कितने महीने हुए हैं उसे मेरे भाई के केस पर काम करते हुए। व्हाट इज द प्रोग्रेस? ठीक है, इंस्पेक्टर विजय पांडे करप्ट नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ और नालायक जरूर है। सर, ही इज नॉट इन द लीस्ट बिट कमिटेड और इंटरेस्टेड। तुम्हारे पास ये सब कहने को सबूत है? जो कुछ भी मैं कह रही हूँ मैं सबूत के साथ बैकअप कर सकती हूँ। सर, आप लोग विजय पांडे को अपने सर पे उठा के रखते हैं, इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह है आपकी डिपार्टमेंट की। सर, ऐसे ऑफिसर्स को तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। आफ्टर ऑल व्हाट डू दे डू? मुझ जैसे लोगों को कम से कम आपकी डिपार्टमेंट पर भरोसा तो होगा अगर आप कुछ एक्शन लेंगे, और कुछ नहीं तो इसे डिमोट जरूर कर दीजिए। सर, आई एम सॉरी प्रिंसिपल, पर इस फाइल पर आपके दस्तखत बहुत जरूरी है। विजय, तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। रोशनी सिन्हा तुम पे बहुत नाराज हैं, तुमसे बहुत शिकायतें हैं। इनका कहना है कि तुम्हें
अपने ओहदे से हटाकर चपरासी बना देना चाहिए। राजीव सिन्हा के मर्डर केस पर काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? कुछ अरसा तो जरूर हुआ। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? मिस रोशनी, आप मेरी बॉस नहीं कि मैं आपको हर बात का जवाब दूं। आपके पास अपने बॉस को भी बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप इस केस पर बस बैठे हुए हैं। सर, मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस मोहतरमा को इस केस में इतनी ज्यादा दखल क्यों देने दे रहे हैं। कमिश्नर साहब, मुझे ये गोली मुकेश अग्रवाल के घर से मिली है। जाहिर है कि खूनी ने पहले भी एक गोली फायर की थी जो मेरे भाई को नहीं लगी। जरूरी नहीं कि दोनों की दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चली हो। मिस रोशनी, देखिए इंस्पेक्टर विजय पांडे, सच्चाई का सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, कई चेहरे होते हैं सच्चाई के। और मैं यहाँ पर पहेलियां बुझाने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि हो सकता है कि दो खूनी थे, एक ने गोली आगे से चलाई और दूसरी ने गोली पीछे से, पीछे वाली गोली मेरे भाई को लग गई। क्वाइट पॉसिबल, ये हो सकता है ऐसा। सर, होने को तो हो सकता है, लेकिन हमारे पास इस बात को कोई सबूत नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूँ, ये सारी की सारी बातें हमें गुमराह करने के लिए कही जा रही है। देखिए मिस्टर, मेरे भाई का खून हुआ है। मैं यहाँ पर, ये मेरे कोई खेल नहीं है, मैं यहाँ पर मजाक करने नहीं आई, और मैं इस केस को गुमराह नहीं करने वाली, समझे? आप मेरी बात का मतलब समझिए, सच्चाई का कोई एक चेहरा नहीं होता, बहुत से चेहरे होते हैं। एक नाकामयाब इंस्पेक्टर मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज काम डाउन मिस रोशनी। सर, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि राजीव सिन्हा का कत्ल किसी निराश प्रेमी का बदला या फिर ईर्ष्या की आग में जलते किसी पड़ोसी की करतूत नहीं है। यह एक षड्यंत्र है सर, और हैरत मुझको इस बात की हो रही है कि आपके दफ्तर में घुस के कोई भी किसी भी किस्म के बेबुनियाद सबूत आपके सामने रख जाता है। जाहिर है कि मोहतरमा को यह नहीं पता कि इस कारनामे के पीछे किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल या नेशनल एजेंसी का हाथ है। बंदूक की चंद गोलियां इकट्ठी करके या फिर कान के बूंदे इकट्ठी करके कोई आदमी अगाथा क्रिस्टी या शर्लोक होम्स बन जाता। You're angry. आप नाराज हैं। अच्छी बात है। I think शायद आप इस केस में अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। You might just be a little better. राहुल, वो रानी चौहान यहाँ आई है, तुम्हें ढूंढ रही है। कौन? रानी चौहान? हाँ। कहाँ है वो? नीचे बैठी है बाहर वाले कमरे में। मैंने उसे कह दिया तुम यहाँ नहीं हो, बाहर गए हो कहीं। गुड, अंदर तो नहीं आएगी ना? ना, वही तुम्हारा इंतजार करेगी वो। देखो शादी, मैं पीछे के रास्ते से बाहर जाता हूँ, सामने से अंदर आऊंगा, ठीक है? यार लेकिन तुमने यहाँ का पता दिया ही क्यों उसे? अरे कोई ना कोई पता देना ही था ना, गलत देता तो शायद शक पड़ जाता। हाँ संभालना सब कुछ। अरे तुम्हारा चश्मा, सुनो ठीक है? हाँ संभाला तुम, ओके। राहुल, रानी जी, आप यहाँ कैसे? तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं पागलों की तरह तुम्हें खोज रही थी, तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? रानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आए? क्या बात है राहुल? वो रानी जी, कुछ बिजी हो गया था मैं, कुछ नया काम आ गया, उसी मुलझा हुआ था। काम तो तुम्हारे पास पहले भी था, लेकिन उस वक्त तुम मेरे लिए टाइम निकालते थे। तुम बहुत बदल गए हो राहुल। नहीं रानी जी, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना कि मैंने अपने बीती हुई जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया था। रानी जी प्लीज, देखिए मैं नहीं समझता हमें ये बातें यहाँ करनी चाहिए। ओके? क्यों नहीं करनी चाहिए? यहाँ हमारी बातें कोई सुन रहा है क्या? हमारे पास कोई है क्या? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रानी जी देखिए, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब जस्ट ट्राई टू रिलैक्स प्लीज। ओके तुम मुझसे नफरत
नफरत करने लगे हो ना। अरे जी डोंट से हबर, यही कहोगे ना कि मेरी बात गलत है? आपकी बात गलत है। अच्छी तरह से आप जानते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? राहुल, नफरत तो एक सुलगती हुई आग है, उसकी तपन, उसकी तलखी अपने आप फैलने लगती है। मैं तुम्हें इस नफरत के लिए दोष नहीं देती, मैं तो खुद अपने आप से नफरत करने लगी हूँ, इस आग में जलती रहती हूँ। सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो राहुल। रानी जी, मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता मैं। I love you राहुल, I love you। मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल डालूंगी। नहीं रानी जी, आप जो हैं आप वही रहेंगी, आप नहीं बदल सकती। क्यों, क्यों नहीं बदल सकती? क्या मैं अपने अतीत को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं कर सकती? कर सकती हूँ राहुल, कर सकती हूँ। क्या प्यार में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी की जिंदगी बदल डाले, उसके दामन में खुशियां भर दे? क्या ये सच नहीं है राहुल? झूठ ही सही, लेकिन कह दो कि ये सच है। रानी जी, मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, ओ मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, एक नींद में जागते हैं, एक नींद में सोते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं।